हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे को अक्सर नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आज देखते हैं आज का सैटरडे कैसा जाता है और नैनीताल में कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे पीछे एक गार्डन टाइप है और वहाँ पे बड़ी सुंदर सी कोयल की आवाज़ आ रही थी, बड़ी प्यारी, शायद आपको सुनाई दे रही हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के अभी। तो चलिए नीचे चलते हैं, ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गई हूँ मैं, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं आज क्या हाल है नैनीताल का, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। तो देखिए, सैटरडे संडे यहाँ पे लगता है महिला हाट बाज़ार। सामने आप देख सकते हैं ये स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उनकी तरफ से ये कुछ लगाए जाते हैं एग्जीबिशन टाइप, और आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने एक बार बनाया भी था, तो ये सैटरडे संडे लगता है यहाँ पर, तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ अगर कोई है इंटरेस्टेड। तो फ़िलहाल देखिए, आज तो काफ़ी ट्रैफिक दिखाई देने लगा है। तो मुख्यमंत्री जी क्योंकि आने वाले हैं आज या पधार चुके हैं शायद, तो आप देख ही सकते हैं कि रोड के किनारे में सब यहाँ पे चूना वूना लगा रखा है और काफ़ी साफ़ सफाई भी दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़ा आगे जाके देखते हैं कैसा हो रहा है। सैटरडे आते ही ये जाम लगना शुरू हो जाता है, देख सकते हैं आप कितना भीड़ भाड़ सी हो रही है, और छोटी सी जगह नैनीताल कंजस्टेड सा है, तो एकदम से यहाँ पे दिक्कत होने लगती है क्योंकि जगह बहुत कम है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, ये है रिक्शा स्टैंड वाला एरिया, और इतने सुंदर यहाँ पे कार्विंग्स हुई हुई हैं इस तरह की, कुछ पारंपरिक शैली में, तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो अभी तो वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो अच्छा ही लग रहा है, साफ़ सफाई है। अदरवाइज़ रात को यहाँ पर भिखारी जो आए हैं नैनीताल में गर्मियों की छुट्टियों में, तो उन लोगों का डेरा यहाँ पर हो जाता है। ये यहाँ पे गार्डन बड़ा अच्छा सा मेंटेन कर रखा है, बड़े सुंदर से फ्लावर्स हो रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और इस तरह का कुछ भीड़ भाड़ है अभी। और रिक्शा स्टैंड में दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा लाइन तो नहीं है, हल्की फुल्की सी है, और मौसम भी अभी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, अभी थोड़ा सा धूप आ रही है, नहीं तो इतने भयानक बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे ओला या बारिश कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कितनी रौनक है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बहस चल रही थी अभी, जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं या फिर जो वो घुमाने वाले होते हैं, जो बोलते हैं कि आपको इतने पॉइंट्स या उतने पॉइंट्स घुमा देंगे, तो वो अक्सर लोगों से ये कहते हुए मिलते हैं कि आप लोगों की गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ तक गाड़ी आराम से जाती है, तो आप किसी बहकावे में ना आएँ। ये इस तरह के आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लोग यहाँ पर, ऐसा ही बोलते हैं बार बार कि आपको हम इतने पॉइंट्स दिखाएंगे और आप लोग की गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती है, तो आपको हमारी गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों पे प्लीज़ ध्यान ना दें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है, तो पहले अच्छे से पता कर लें किसी लोकल से, उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पर सबके रेट्स अलग अलग होते हैं, तो या तो फिर आप लोग एक बार रेट्स अच्छे से कंपेयर कर लें, उसके बाद ही जाएँ किसी के भी साथ। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्योंकि आने वाले हैं, तो इस तरह के पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगी है यहाँ पर। ये यहाँ पे ज़बरदस्ती की वीआईपी गाड़ियाँ पार्क हैं, और आप देख सकते हैं कितना बेतरतीबी से ये खड़ी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है कहाँ पे निकल रही है, कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट है, तो क्या कह सकते हैं वीआईपी, इसके लिए तो कोई किसी चीज़ का मना ही नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लगी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि वीआईपी है भाई, वीआईपी, इसके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। और फंड मार्केट देखिए, आजकल तो सुबह से लग जाती है, आजकल कोई टाइमिंग नहीं हो रहे फंड मार्केट के, और यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि हमेशा होती है। तो अभी लेक में मुझे यॉट्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी, तो चलिए एक बार वहाँ पर देखते हैं कैसा हो रहा है। देखिए, सामने की यॉट्स कितनी सुंदर लग रही हैं, ये बड़ा फेवरेट पॉइंट है सबका, टूरिस्ट का भी और लोकल्स का भी, लेक देखने के लिए। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है लेक का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सामने जो बोट जा रही है यॉट, बड़ी ही खूबसूरत। तो चलिए यहाँ से लेते हैं नज़ारा थोड़ा सा, देखिए आप सामने कितनी भीड़ है बोट स्टैंड पे। तो लोग जो नैनीताल आते हैं, उनके लिए एक बड़ा ही मेन अट्रैक्शन है बोटिंग का, क्योंकि नैनीताल का लेक इतना खूबसूरत है,
सब जगह फेमस है, तालों में नैनीताल कहते हैं बाकी सब तलैया। तो वाकई में नैनीताल का लेक बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे बोटिंग करने का अपना ही एक अलग मज़ा है और बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है बोट के। आप 420 में पूरा राउंड कर सकते हैं और 320 में आप हाफ राउंड कर सकते हैं। और अगर आपको पैडल बोट्स पसंद हैं तो आप इसी प्राइस में एक घंटा और आधे घंटे के लिए ले सकते हैं पैडल बोट्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाती हूँ। तो इस तरह की कुछ पैडल बोट्स हैं और बाकी चप्पू वाली नाव जो बोलते हैं वो वाली बोट्स यहाँ पर चलती हैं। तो आप आराम से यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। और देखिए, बोटिंग के अलावा बोट स्टैंड के पास ही आपको कुछ ऐसे परिधानों में फ़ोटो खिंचवाने को मिल जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये देखिए, इस तरह के कुछ कपड़े पहन के आप यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग रंग बिरंगे आपको यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। तो ये हमारे पहाड़ का ट्रेडिशनल कपड़ा नहीं है एक्चुअली, ये ड्रेस पता नहीं कहाँ की है, लेकिन इस तरह के कुछ ड्रेस पहन के लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और नीचे मुझे दिखाई दे रहे हैं विक्की एंड टीएल जी, जो कि वीडियो बना रहे हैं नैनीताल का, ये देखिए। तो यहाँ पे खड़े होके इस तरह के नज़ारे आप ले सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है इस जगह पे खड़े होके, क्योंकि नैनीताल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। तो नैनीताल आएँ तो इस जगह पे आना ना भूलिएगा, इस जगह को ज़रूर एक बार अपनी लिस्ट में डालिएगा और यहाँ से थोड़ी देर बैठ के आराम से लेक का मज़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे मौसम एक बार फिर से मुझे लगता है कि कुछ बिगड़ने सा लगा है, हवा चलने लगी है काफ़ी तेज़ और थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि आसमान पूरा गिरने वाला है और बारिश आने वाली है। तो अभी मौसम एकदम से चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं नैनीताल का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मौसम है नैनीताल का। अभी अगर ठीक है थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है, यहाँ पर कुछ इस तरह का मौसम है। तो चलिए देखते हैं आज क्या रहता है आगे का दिन। तो देखिए, हमेशा की तरह मेन संघर्ष का एरिया यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे धक्के मुक्के दे के और खा के निकलना पड़ता है यहाँ से बाहर। तो इस जगह पर कंजस्टेड जगह है थोड़ी सी, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, ये देखिए। देखिए, परसों मैंने बोला था कि बेंचेस पे कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन आज देखिए फ़िलहाल अभी क्योंकि मार्केट नहीं लगी है तो बेंचेस खाली हैं और लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं, लेकिन अभी जब मार्केट लग जाएगी तो उसके बाद तो बेंचेस का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता है, सब गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं, उन पे कोई नज़र रखने वाला नहीं है, इसलिए मनमर्जी चल रही है सबके यहाँ पे। तो यहाँ सामने चल रहा है मैच और काफ़ी लोग मैच देखने में व्यस्त हैं। फ़िलहाल आपको मौसम दिखाती हूँ, देखिए काले बादल छाने लगे हैं बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश वारिश ना पड़ जाए। तो अगर पड़ेगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी बारिश का। फ़िलहाल अभी चलते हैं और शाम को करेंगे वीडियो कंटिन्यू, क्योंकि अभी ये भीड़ क्रॉस करके मैं मंदिर के दर्शन करती हूँ, उसके बाद आपको शाम को दिखाती हूँ नैनीताल का हाल क्या है। तो चलिए इसके बाद का वीडियो शाम को कंटिन्यू करते हैं, अगर कुछ खास नहीं हुआ तो। अगर कुछ खास होगा तो मैं दोबारा से दिखा दूँगी, और अगर कुछ खास नहीं होता है तो फिर शाम को ही करते हैं कंटिन्यू। देखिए इतनी क्यूट सी बच्ची। तो फ्रेंड, शाम हो चुकी है, शाम को वीडियो मैंने बोला था कंटिन्यू करूँगी। तो ये है शाम का नैनीताल इस टाइम पे। तो मैं आपको दिन और शाम का इसलिए दिखाती रहती हूँ ताकि कंपैरिजन आप लोग खुद ही कर सकें कि दिन में कैसा रहता है और शाम को कैसा रहता है। तो अभी शाम को, क्योंकि इस टाइम मॉल रोड बंद है, अपर मॉल रोड, तो आप देख सकते हैं लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं बिना किसी गाड़ियों के डर के, बिना किसी टेंशन के आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। और इधर देखिए गाड़ियाँ कॉन्टीन्यूसली आती जा रही हैं। तो आज अभी जाम नहीं लग रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी व्यवस्था करी हुई है। जाम है थोड़ा सा नैनीताल जो आने वाली रोड है उस पर, लेकिन ऊपर की तरफ बिल्कुल नैनीताल शहर में जाम नहीं है, क्योंकि सारी गाड़ियों को यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो शटल सेवा के द्वारा भेजा जा रहा है लोगों को। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ और पर्यटक खूब इंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे गुब्बारे बेचने वाले बच्चे हैं, जैसे ही कैमरा उनकी तरफ करें तो वो मुंह छुपा लिया करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है आगे, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा जाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे और इसके आगे साइड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो बहुत मैं आगे तक नहीं जा रही हूँ। तो आपको फ़िलहाल यहीं पर दिखाती हूँ कि इस तरह का कुछ टूरिज़्म चल रहा है नैनीताल में। तो मई जून अभी नहीं आया है, पीक सीज़न का टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन
पर्यटक नैनीताल में खूब सारे हैं और पर्यटक कम भी नहीं हुए हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पे भीड़ भाड़ ऐसी ही बनी हुई है नैनीताल में, और मई जून में तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है। तो अगर आप लोग नैनीताल आने की सोच रहे हैं तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अपनी होटल्स की बुकिंग करवा के आएँ, क्योंकि होटल यहाँ पर मिलने थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और फिर कुछ लोग फ़ायदा उठा के होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपको महंगा होटल मिलेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि नैनीताल शहर बहुत ज़्यादा महंगा है, जिस तरह से लोग आके कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन टूरिस्ट प्लेस है तो महंगा थोड़ा बहुत होता ही है हर टूरिस्ट प्लेस, बट आपको अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ होटल मिल जाएंगे अगर आप टाइम से बुकिंग करवा लें या फिर ऑफ सीज़न में आएँ तो। तो चलिए फिर अब मंदिर की तरफ चलते हैं। तो मंदिर के बाहर पहुंच चुकी हूं मैं और आपको फिर से एक बार आज दर्शन करवा देती हूं मंदिर के। हर के दिन जैसा कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती ही है नैनीताल में, तो आज आप उसका असर मंदिर में भी देख सकते हैं। मंदिर प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी भक्तिमय माहौल है। ये है माँ नैना देवी का मुख्य मंदिर, जैसा कि आप लोग रोज़ ही देखते हैं, और सामने हैं हनुमान जी। तो देखिए सामने जो स्क्रीन लगी है उस पर नैना देवी माँ के आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप माँ की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं सामने, और उसके नीचे हैं हनुमान जी, और सामने देखिए लेक के रिफ्लेक्शंस भी बड़े खूबसूरत इस टाइम पर दिखाई देते हैं। ये देखिए, तो चलिए फिर अनमोल की तरफ चलते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो फ्रेंड्स आज हमसे मिलने आई हैं बरखा मैम, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं रानीखेत में हूँ, इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। उससे पहले मैंने लंबे समय कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। तो देखिए काफ़ी टाइम से हम लोग फेसबुक, हाँ ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड, लेकिन आज मिले शायद पहली बार, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। तो यहाँ पे अमित भी हैं, तो इधर देखिए यहाँ पे अमित भी मेरे फेसबुक फ्रेंड ही है। हेलो हेलो अमित की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जो है वो मैंने अपनी फोटो में लगाई। हाँ अमित की तस्वीर नहीं, अमित के द्वारा खींची गई तस्वीर बुक के कवर जो मेरी, हाँ जो मेरा कवर है। I'm really happy to meet such people. But anmol, anmol, yes. तो हम पहले बातें करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर लास्ट में वीडियो को एंड करते हैं दोनों लोगों के साथ, और आप लोग आज का क्या संदेश देना चाहेंगे? कल आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी आपकी बात, तो आज आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सी बात? जो आपने बोला था ना कि होटल्स के लिए लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि अभी तो वीकेंड है और होटल्स जो है या नैनीताल है लगभग फुल है, और आप लोग बुकिंग करा के, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बुकिंग करा के नहीं आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा, अभी मैं देख रहा था कि वो लड़ रहे थे वहाँ पर गाइड और वो, तो काफ़ी महंगे महंगे 5000 रुपये के रूम दे रहे हैं बहुत मामूली से। अगर आप लोग बुकिंग करा के आएंगे तो आपको जेन्युइन मिलेगा। इस समय जो आप क्या कहते हैं टूरिस्ट सीजन रहता है तो काफ़ी VIP लोग भी आते हैं, जैसे आज ही कहते हैं गवर्नर भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आए हैं काफ़ी, तो थोड़ा टफ रहता है कि कहते हैं बाहर नहीं, बाहर भी कहते हैं लोग रहते हैं ना, फिर यहाँ से गाड़ी की ज़्यादा यहाँ लोड ना रहे। मैंने अभी एक वीडियो देखा था बुकिंग करा के आई, काफ़ी जाम लगा हुआ है शायद, तो बुकिंग करा के आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, तो बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से आइए और इन्जॉय करिए आप दोनों का। तो चलिए फिर इसी के साथ हम भी करते हैं वीडियो को एंड, और कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय बाय।